हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन लाइव डेमोन्स्ट्रेशन सॉफ्टवेयर के लिए। लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट कहा है और कमेंट्स भी दिए हैं कि आप जो है एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन का सॉफ्टवेयर बताइए ट्रांसपोर्टेशन के सॉफ्टवेयर के ऊपर से, और हमें एक्सप्लेनेशन दीजिए कि क्या ये सॉफ्टवेयर हमारे ये इंडस्ट्री में काम आएगा कि नहीं आएगा, और किस तरह से फीचर्स जो हमें डे टू डे यूज़ में हमें काम में आएगा। तो यही इस वीडियो पे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे और डिस्कशन करेंगे और मीटिंग भी कर रखेंगे। मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन बताऊंगा और मैं आपको डेटा, लाइव डेटा एंट्री करके भी मैं आपको प्रिंटआउट बताऊंगा। तो पहले ये सॉफ्टवेयर में हमारे पास बहुत सारे इनपुट डेटा एंट्री स्क्रीन है। इनपुट डेटा एंट्री स्क्रीन करने के बाद फिर हम उसको प्रोसेस करेंगे, फिर प्रोसेस करने के बाद फिर हम उसको जो है ना आउटपुट निकालेंगे। आउटपुट में फिर रिपोर्ट्स जनरेट करेंगे, कौन सा रिपोर्ट्स कहाँ पे यूज़ हो रहा है, कौन सा रिपोर्ट्स कहाँ पे डिपार्टमेंट के लिए यूजफुल है। अभी हमारा सॉफ्टवेयर में तीन तरह के सॉफ्टवेयर है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। वन इज दैट इज अ डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन, सेकेंड वन इज अ डेटा बेस्ड होस्टिंग एप्लीकेशन, एंड थर्ड वन इज अ रिमोट सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन। डेस्कटॉप एप्लीकेशन में क्या होता है कि लैन कनेक्टिविटी में आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन हो जाएगा और आप एक ब्रांच के लिए अकाउंटिंग कर सकते हैं, और आपका डेटाबेस आपके कंप्यूटर में रहेगा। तीन चार कंप्यूटर या पाँच छः कंप्यूटर मिलके आप मल्टी बना सकते हैं, डिलीवरी चलन बना सकते हैं, मंथली बिलिंग कर सकते हैं, और एक ब्रांच के लिए या सब ब्रांच के लिए या मल्टीपल ब्रांच के लिए आप अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो आपका डेटाबेस वो क्या रहेगा, आपके कंप्यूटर में रहेगा। सेकेंड हमने वर्जन हमें निकाला है कि आपका सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में रहेगा लेकिन डेटाबेस जो है वो क्लाउड होस्टिंग पर रहेगा। मैं जो भी आप जो टाइप करेंगे, जो भी आप इंफॉर्मेशन, जो डेटा वगैरह जो आप सेव करेंगे वो इंटरनेट पे जाके और एक सर्वर पे जाके सेव हो जाएगा। और दूसरा ब्रांच अगर आपको खोलना है तो दूसरा ब्रांच में भी आप खाली सॉफ्टवेयर ही आप इंस्टॉलेशन कीजिए और वहाँ पे उनका जो है यूज़र नेम पासवर्ड दे के अब आप वहाँ पे भी ब्रांच का बिल्डी वगैरह बना सकते हो और वहाँ पे भी आप सेव कर सकते हो। हुआ। और फिर तीसरा जो है, हमने एक दूसरा तीसरा वर्जन हमने बनाया है, दैट इज एन रिमोट डेस्कटॉप सर्वर होस्टिंग। रिमोट डेस्कटॉप सर्वर होस्टिंग में क्या होता है कि सॉफ्टवेयर भी आपके सर्वर पे इंस्टॉलेशन हो जाएगा, डेटाबेस भी सर्वर पे इंस्टॉलेशन हो जाएगा, और हम आपको एक आईपी एड्रेस दे देंगे। आईपी एड्रेस से कोई भी ब्रांच कनेक्ट करके यूज़र नेम पासवर्ड डाल के उसकी बिल्डी, उसकी टू बी बिल, उसके डिलीवरी चैलेंज, जो भी ट्रांसपोर्ट के जो भी डॉक्यूमेंटेशन जो बनते हैं वो सारे एक ही कंप्यूटर में जाके सेव हो जाएगा। तो ये तीन लॉजिक हमने ये सॉफ्टवेयर को हमने बनाया है। सॉफ्टवेयर की कॉस्टिंग तो आपको मालूम हो, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप sahiwala.com पे वेबसाइट पे आप चले जाइए, वहाँ पे आपको कॉस्टिंग मिल जाएगी। तो आज हमारा वीडियो जो है वो इस टॉपिक पर बना हुआ है कि हम आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन एक ब्रांच के लिए हम आपको बताएंगे या मल्टीपल ब्रांच के लिए भी बना बताएंगे। तो पहले मैं तीन डॉक्यूमेंट्स में आपको मैं बनाऊँगा। पहले है LR कंसाइनमेंट नोट, सेकेंड वन इज डिलीवरी चलन, एंड थर्ड वन इज अ मंथली बिलिंग। और उसका प्रिंटआउट भी मैं आपको मैं प्रीव्यू करके बताऊंगा, अकाउंटिंग का भी मैं थोड़ा बहुत कुछ एंट्री करके मैं बताऊंगा। तो वेलकम टू sahiwala.com, माय नेम इज सुबीर और आज हम बात करेंगे इस लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट सॉफ्ट इजी ट्रांसपोर्ट सॉफ्टवेयर। ठीक है, ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, एलआर डालेंगे, भिवंडी टू बी मिल, कंसाइनर
सेव करेंगे। ये सेव करके कर दिया और ये पूछेगा कि एक्सेप्ट टू सेव द रिकॉर्ड, मैं ओके करता हूँ। और डू यू वांट टू प्रिंट एलआर, तो मैं अभी प्रिंट करूँगा तो ये डायरेक्ट प्रिंटर पे चले जाएगा, तो मैं इसका प्रीव्यू करके मैं आपको मैं बता देता हूँ। तो लेट्स गो टू द प्रीव्यू, मैं ब्राउज रिकॉर्ड करूँगा जो मैंने अभी बनाया, डबल क्लिक करूँगा और ये मेरा ये प्रिंट आउट आ गया, श्री कृष्णा ट्रांसपोर्ट कंपनी, जो भी एड्रेस वगैरह जो आपका है, आपकी कंपनी का नाम है, सब्जेक्ट का मैंने बनाया है, कंसाइनर कंसाइनी, ये पूरा ऐसा फॉर्मेट आ गया। अगर आपको अपने फॉर्मेट के हिसाब से चाहिए तो वो भी हम लोग आपको डिज़ाइन करके दे देंगे। इसमें तीन कॉपी बनेंगी, एक दो तीन, ठीक है, तीन कॉपी का प्रिंटआउट आ जाएगा अपने आप। मैं आपको अभी दूसरा में आपको मैं बताऊंगा चरण एंट्री, जो ड्राइवर्स को कॉपी देते हैं। चरण नंबर में टाइप करूँगा और डेट में टाइप करूँगा 2019, बिलिंग एडवांस भिवंडी, लॉरी नंबर, ये मेरा लॉरी नंबर है भिवंडी से लेके हुगली, और यहाँ पे मैं डेट टाइप करूँगा, कौन सा एलआर है, ये एलआर नंबर मैंने मान बनाया था, आ गया ये पूरा, ठीक है। एक एक एलआर से मैं एक डिलीवरी चार्ज बनाता हूँ, उसको मैं सेव करता हूँ। इसका भी मैं फॉर्मेट आपको मैं बता देता हूँ, चलन वन, ये देखूँगा, ये इसका पूरा फॉर्मेट है। अब फॉर्मेट भी आप अपनी तरफ से आप डिज़ाइन कर सकते हो, या हम लोग भी आपको मैं डिज़ाइन करके आपको मैं बता दूंगा। मैं हो गया, फिर दूसरी है हायर स्लिप की एंट्री। हायर स्लिप की एंट्री में ये होता है कि हायर स्लिप नंबर वन डालता हूँ, जो मैं लॉरी मैंने ये किया है, चरण नंबर, ओके चरण नंबर अभी तक आया नहीं है, तो लेट्स एक यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सेव कर दिया है, मैं इसको सारी निकाल लिया मैंने, हाँ ये मैंने लिया था, ये दिया था 5/6/2019, बैलेंस पेबल 75, प्रिंट निकालना है, प्रिंट भी निकाल सकते हैं। हायर स्लिप की एंट्री यहाँ पे, ये रहा हायर स्लिप, टूपे वाले कितने हैं, टूपे वाले कितने, टूपे बिल वाले कितने, फ्रेट कितना है, बैलेंस पेबल कितना है, ये हम उसको निकाल सकते हैं। फिर हम बनाएंगे मेक पार्टी बिलिंग, मैं यहाँ पे मैं टाइप करूँगा पार्टी बिलिंग, और लोबिस को मैं डालूँगा, सॉरी देखो ये एक एलआर आ गया ऑटोमेटिकली 75 75 75। जीएसटी अगर आपको चार्ज करना है आप चार्ज कर सकते हो जीएसटी। मैं अभी सेव करूँगा और मैं आपको मैं इसका प्रिंट आउट दिखा देता हूँ। प्रिंटिंग में मैं जाऊँगा, इनवॉइस दो नंबर, ये रहा लॉगिन मेरा, ठीक है। अलग अलग फॉर्मेट है, अलग अलग कंपनी में आप उसको डिज़ाइन कर सकते हो। 88.50, ये मेरा बैंक डिटेल्स है कंपनी का, और ये रुपीज इनवॉइस ऑटोमेटिकली आ गया। जीएसटी टीम में कंसाइनर पे करेंगे जीएसटी। तो ये रहा एक ब्रांच का, आप अकाउंटिंग कर सकते हो। फिर कैश मेमो की एंट्री है, अकाउंटिंग की एंट्री से रिसिप्ट है, पेमेंट है, जनरल एंट्री से रिपोर्ट्स, चलन है, एलआर है, हायर स्लिप है, इनवॉइस है, और अकाउंटिंग लेजर है। तो ये एक ब्रांच के लिए इनफ है। अगर आपको मल्टीपल ब्रांच करना है तो मल्टीपल ब्रांच में भी आप उसको हैंडल कर सकते हो। तो आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, मेरे बेल आइकन पे भी आप क्लिक कीजिए, और ज़रूर आप कमेंट कीजिए जो अगर आपको और क्वेश्चन पूछना है, तो मैं इसको और बेहतरीन से आपको मैं रिप्लाई करूँगा। मैं तो गुड डे एंड गुड टू यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय मुंबई।